हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों फाइनली दोस्तों आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो सफलतापूर्वक कंडक्ट हो चुकी है। और दोस्तों मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पेपर का लेवल था क्या था, और साथ ही दोस्तों आप सभी को एक अनुमानित जो है हर एक डाटा क्लियर कर दिया था। पर दोस्तों फाइनली दोस्तों ESI नर्सिंग ऑफिसर की जो 900 प्लस पद थे उनकी जो फाइनल डेटा है, यानी कि 2000 प्लस से उम्मीदवारों की जो वोटिंग है वो इसके अंदर आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट मिलकर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ इस बार का जो है काफ़ी ज़्यादा हाई आप सभी को देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर ESI नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए। पेपर के लेवल की जो संख्या है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आप सभी को एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता था कि NTA पेपर बहुत ही टफ यहाँ पर जो है सेट करता है। पर इस बात को यहाँ पर दोस्तों इस बात ने तोड़ दिया कि इस बार UPSC ने जो आप सभी का पेपर सेट किया है वो NTA से बहुत ही बड़ी विभिन्न प्रक्रिया में, और इस बार का जो लेवल था वो नर्सिंग के लिए उम्मीदवारों के लिए सबसे टफेस्ट पेपर यहाँ पर जो है उम्मीदवारों के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि जो आंकड़े हैं जो हमने सर्वे कराया था उसके अंदर सारे उम्मीदवारों ने जो हमारे टारगेट थे वो पूरे हुए, और उसके बाद जो फाइनल डाटा है दोस्तों मेरे सामने जो है वो आ चुका है। और दोस्तों यह आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है अनुमानित कट ऑफ के लिए कितने उम्मीदवारों ने चयनित किया, कितने उम्मीदवारों ने इसके अंदर यहाँ पर जो है उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने तक कितने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया और क्या नंबर ऑफ स्कोर रहेगा, वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी की कोई भी क्यूरीज हो वहाँ पर आप सभी के सारे क्यूरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, किस तरह का था, कितने उम्मीदवारों की कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, वो सारी डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी की प्रक्रिया हो चुकी है, और पेपर लेवल यानी कि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से यानी कि तीन तरह के लेवल यहाँ पर रखे गए थे, हार्ड, मीडियम और ईजी। पर दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग जो अपडेट है वो यहाँ पर आप सभी को यह देखने को मिलेगा दोस्तों इसके अंदर, कि हार्ड और मीडियम के अंदर यहाँ पर देखते हैं कि उम्मीदवारों की संख्या दोस्तों क्या है, यानी कि दोस्तों उम्मीदवारों की जो संख्या है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी तक के लिए दोस्तों गजब है, क्योंकि दोस्तों 38% ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनका कहना है कि पेपर जो लेवल था वो इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ था, और ESI के अंदर इस बार का जो लेवल था वो सारे पिछले लेवल से मुताबिक बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट था। यहाँ पर जो है 53% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें कहना है कि जो पेपर था वो मॉडरेट था, मीडियम रेंज में था। पर दोस्तों यह वो उम्मीदवार हैं जो लगभग नर्सिंग उम्मीदवारों के अंदर यानी कि एग्ज़ाम 10 बार से ज़्यादा अटैम्प्ट कर चुके हैं, इसलिए जो उनका पेपर लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। पर दोस्तों इसके अंदर 10% ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनके जो किस्मत दोस्तों कहा जाता है उस किस्मत के भरोसे यहाँ पर जो है उनके क्वेश्चन जो है वो पढ़े हुए ही आए, और इसलिए उन्हें यहाँ पर जो है पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा। दोस्तों जो कैंडिडेट कह रहे हैं ईजी हैं, इसमें फर्स्ट अटैम्पर भी हो सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों वो उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्होंने नर्सिंग को लेकर काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन, हर एक टॉपिक के अंदर जितने टॉपिक हैं, जितने डाटा हैं वो सारे पढ़ चुके हैं, उसके अंदर ये उम्मीदवार दोस्तों आते हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को मिलाया जाए तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल यानी कि दोस्तों मॉडरेट तो कहा नहीं जाएगा, पर दोस्तों मॉडरेट से यहाँ पर 2+ मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेपर हार्ड के लिए भी 38% यानी कि दोस्तों 38% वोटिंग किए गए हैं इन चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पेपर का लेवल समझ के आ गया। अब दोस्तों पेपर के लेवल के अनुसार जो कट ऑफ है वो क्या 170 प्लस जाएगी, या 155 प्लस जाएगी, या 160 प्लस जाएगी, वो भी डाटा आप सभी को अपने कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दूसरी अपडेट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हमारे तरफ से जो कराया गया था कि आप सभी के नर्सिंग ऑफिसर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं,
यानी कि दोस्तों कितने क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर अटेम्प्ट हुए हैं उसके बारे में आपको वो सारे डाटा बता देता हूँ। तो यानी कि दोस्तों ये डाटा में सबसे ज़्यादा जो हाई देखने को मिला है वो यहाँ पर जो है 100% यानी कि 100 से प्लस 40% यानी 39% उम्मीदवारों का कहना है कि 100 में से कि 39% उम्मीदवार हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 110 से ज़्यादा 15% उम्मीदवारों ने अटैम्प्ट किए हैं, 120 से ज़्यादा यहाँ पर जो है 22% उम्मीदवारों ने अटैम्प्ट किए हैं, 130 से ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों 12% उम्मीदवारों ने और 140 से 6% और 150 से दोस्तों 6% किए हैं। तो यानी कि दोस्तों यह आंकड़े अभी तक के निकल कर आ पा रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर यह पैराग्राफ देखने के बाद दोस्तों यह फेस देखने के बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो कैंडिडेट 150 कह रहे हैं या 140 कह रहे हैं या आप सभी के सामने 130 कह रहे हैं, तो यहाँ पर इन टोटल कैलकुलेशन को अगर ऐड करते हैं तो लगभग दोस्तों 24% ऐसे उम्मीदवार हैं यहाँ पर जो 130 के प्लस है, यानी कि 130 के प्लस हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट भी होंगे, पीडब्ल्यूडी भी कैंडिडेट होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके चलते यहाँ जो कट ऑफ है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है आप सभी को चेंज देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा वो भी मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरे तरह से इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर दोस्तों यहाँ पर यह चेंजेस और यह चेंजेस आंसर की जारी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के अंदर। यानी कि ये उम्मीदवार इस पर आते हैं, ये उम्मीदवार इस पर आते हैं, ये उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे, वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट जितनी प्रक्रिया है वो मैंने आप बता दी है। अब फाइनली दोस्तों जो आप सभी की कटअप है वो क्या जाने वाली है उसके बारे में भी सारी डाटा जो है मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सभी की जो यहाँ पर जो है डाटा है वो क्या जाने वाली है कट ऑफ की। क्योंकि कट ऑफ एक बहुत ही मेजर चीज़ है दोस्तों जो उम्मीदवारों को एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है सहयोग करता है कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तो इस बार जो है इस जनरल कैटेगरी में अंदर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर या ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हमें एक वैल्यूएशन और एक की प्रक्रिया के आगे ले जाने के लिए हमें यहाँ पर जुनून रखता है इन चीज़ों को लेकर। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, यानी कि दोस्तों जो कट ऑफ है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अभी तक के अनुसार यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है मैं यहाँ बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आंसर की आने के बाद भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को कट ऑफ बताई जाती है, क्योंकि आंसर की आने के बाद सारे उम्मीदवार सटीक जो है कट ऑफ की रेशियो बना लेते हैं। दोस्तों उम्मीदवारों ने अभी भी YouTube के माध्यम से या कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कोचिंग संस्थानों के अनुसार से अपने आंसर की को मिला लिया है। पर दोस्तों आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के फिर से जो नंबर ऑफ जो है क्वेश्चन है वो बदलते हैं, उनके मार्क्स बदलते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दो बार कट ऑफ की रेशियो बताई जाती है। और दोस्तों जो दूसरी बार कट ऑफ की रेशियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज उम्मीदवारों द्वारा देखने को भी मिलती है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बार का जो जनरल कैटेगरी का जो है वो कटअप किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की कटअप की बात करें तो इस बार दोस्तों यहाँ पर आप सो अगर 165 प्लस हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इसके अनुसार जनरल उम्मीदवारों के लिए 165 प्लस अगर उम्मीदवार उनके हैं तो वो उम्मीदवार इस बार सिलेक्शन जोन में आ सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस डाटा के अनुसार दोस्तों यह उम्मीदवार अगर इतने से कम है तो उन्हें एक या दो मार्क्स के लिए भी हैं तो बहुत ही कम चांसेस इसमें देखने को मिली है। पर दोस्तों यह फाइनल डाटा नहीं है, एक यहां पर जो है एज्यूम किया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर 1000 उम्मीदवारों ने अपने पोलिंग किए हैं उसके अनुसार ये डाटा कलेक्ट कर आप सभी तक प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइनली दोस्तों जो आंसर की निकलने आने के बाद होगी वही डाटा हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। पर दोस्तों इस पोलिंग के अनुसार जो डाटा है वो आप सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों इस डाटा में यह नहीं सोचना है कि हमारे एक या दो नंबर घट रहे हैं इससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही यहाँ पर जो है यह एक तरह से आप सभी को एक अनुमानित डाटा बताया गया है। जैसे ही दोस्तों आंसर की जारी होने के बाद कटअप की रेशियो में 5 या 6 यहाँ पर जो है नंबर गिराव देखने को मिलता है दोस्तों। तो इन बातों को लेकर बिल्कुल ही नाराज ना होए। अगर आपके एक ओबीसी का यानी कि जो ओबीसी का जो दूसरा कटअप है वो कितना जाने वाला है उसके बारे में आपको डाटा बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों ओबीसी के उम्मीदवार इस बार 160 के प्लस है तो वो कैंडिडेट इस बार सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार यहाँ पर जो है 158 के प्लस है तो वो यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है वो डाउन ओबीसी से देखने को मिलेगा। क्योंकि अधिकतर
एग्ज़ामों में या अधिकतर ESI की में कि हर बार EWS की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। SC की बात करें तो दोस्तों इस बार जो है 150 तक इन उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाएगा, और ST की बात करें तो इस बार की जो डाटा है वो 145 पर है। इन डाटाओं पर दोस्तों आप सभी के लिए अगर है तो इस बार आप 100% सेलेक्टेड हैं, यानी कि दोस्तों अगर इतने नंबर आपके हैं तो वो कैंडिडेट तो बिल्कुल ही बेफिक्र रहें और उनके लिस्ट में नाम आने वाले हैं। पर दोस्तों इनसे कम हैं वो भी आंसर की जारी होने के बाद, वो भी 5 या 6 नंबर वाले जितने कम बन रहे हैं वो भी कैंडिडेट लिस्ट में ज़रूर उनके नाम आएंगे। पर दोस्तों यहाँ पर एक अनुमानित डाटा जो है अभी के रेशियो के माध्यम से बता दिया गया है। इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल StudyZone/SZ से जुड़ जाइए, वहाँ पर सारी डाटा सारी इन्फॉर्मेशन हर एक अपडेट आप सभी को हमारे टेलीग्राम के चैनल से पर्सनली आप सभी को शेयर कर दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के दोस्तों जय हिंद।